दोस्तों, अगर आपने भी विशाखापट्टनम में खेले जा रहे भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का लाइव एक्शन मिस कर दिया है तो फिर हाईलाइट देखने के लिए हो जाइए तैयार। तो लगे हाथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको क्रिकेट हाईलाइट। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही, जहां पर लग रहा था कि शायद इंग्लैंड को भारत 5 के 5 टेस्ट मुकाबले बड़ी आसानी से हरा देगा। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड ने जिस प्रकार से भारत के इस ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ा है, अब ऐसा लगने लगा शायद कहीं इंग्लैंड इस सीरीज को जीत न जाए, क्योंकि पिछले 12 सालों में तो ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी विदेशी टीम ने भारत को भारत में आकर के हरा दिया हो। लेकिन जिस प्रकार से पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड ने 28 रनों से जीता, अब भारत के क्रिकेट फैंस को भी इस बात का डर लगने लगा है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम टेस्ट क्रिकेट को एक अलग लेवल से खेलती, टेस्ट को ओडीआई के अंदाज में खेलती, लेकिन भारत के गेंदबाज इस बार कैसे रोक पाएंगे बेस्ट बॉल के बल्लेबाजों को। तो वहीं भारत के बल्लेबाजों की भी अब बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस सीरीज में वापसी करनी है तो। लेकिन इस मुकाबले में पहले टेस्ट मुकाबले की बिल्कुल विपरीत बल्लेबाजी हमें देखने को मिली भारत के बल्लेबाजों की तरफ से। तो दरअसल इस टेस्ट मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहले तो टॉस जीता और टॉस जीते किया बल्लेबाजी का फैसला, जिसकी उम्मीद भी थी, क्योंकि जो भी टीम इस मुकाबले में टॉस जीतती वो पहले बल्लेबाजी ही करती। तो उसी मुताबिक रोहित शर्मा ने भी इस मुकाबले में टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जिसके बाद भारत के 2 होनहार खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं। SSC विजय सहवाल और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दोनों के बीच में शुरुआती आध घंटे तक शुरुआत हुई बिल्कुल गेंद को सम्मान दिया, लेकिन आध घंटा गुजरने के बाद भारत के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली, चौके और छक्कों की बारिश की। हालांकि छक्के तो दने नहीं लगे, लेकिन चौके तो यूं मानो कि जायसवाल ने तो 2 बार चौकों की चौकड़ी लगाई थी। जी हाँ, गजब की बल्लेबाजी की भारत के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने। इसी के चलते भारत ने लंच ब्रेक तक 128 रन बना डाले थे, बेहद तेज तर्रार बल्लेबाजी की थी। लेकिन लंच के बाद जैसे ही मुकाबला दोबारा शुरू होता है, जयसवाल और रोहित शर्मा एक बार फिर से क्रीज पर आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन लंच की शुरुआत इंग्लैंड के लिए बेहद ही अहम रही, क्योंकि भारत ने यहाँ पर 2 विकेट खोई शुरुआती 15 मिनट में। जी हाँ, SSC जयसवाल और सुमन गिल के रूप में SSC जयसवाल ने इस मुकाबले में ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन सिर्फ 49 रन ही बना सके। लेकिन सुमन गिल, जिनके पास मौका था एक बार फिर से रन बनाने का, लेकिन सुमन गिल भी इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाते। सुमन गिल ने इस मुकाबले में 23 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 3 रन ही बनाए, जिसके बाद श्रेयस अय्यर आते हैं क्रीज पर रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए। अब रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के बीच में भी जबरदस्त पार्टनरशिप लगती है, तब तक टी ब्रेक हो जाता है। अब भारत का स्कोर 203 रन हो चुका था। जैसे टी के बाद मुकाबला दोबारा शुरू होता है, कि इस मुकाबले में भारत को एक बार फिर से एक और झटके का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जो अब तक बेहद ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, वो इस मुकाबले में 132 रन बना करके आउट हो जाते हैं। उसके बाद मैदान पर उतरते हैं सरफराज खान और श्रेयस अय्यर, इस मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे हैं।